हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? द्वारिका नाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य। दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। ये आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है, उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है। वो भटक गया है महालसापति, द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है, उसे सही रास्ते पर लाना होगा महालसापति। सबका मालिक एक, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जिसको मुक्ति चाहिए वो मेरी तरफ खींचा चला आता है। मैं भी खींचा चला आया हूँ तगड़ू। तुम्हारी समस्या क्या है? वत्स वत्स, मूर्ख नालायक, खुद समस्या खड़ी करके मुझसे ही पूछता है कि मेरी समस्या क्या है, है? ए, 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 मूर्ख कहीं के। इस तगड़ू को रगड़ो वैजी। जी, हमने क्या किया है? हम दोनों तो साई बाबा खेल रहे थे। वैद्य जी, ये दोनों आप ही की वजह से साई बाबा का गुणगान करते हैं। जीवा जी, क्या झूठ बोला है जीवा जी ने? वैद्य जी, साई बाबा के माँ के पति को बचाने कौन गया था आधी रात में, हैं? और किशन के समय क्या हुआ था? आप तो अपनी वैद्यता छोड़ने वाले थे। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? द्वारिका नाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य। दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? इसका मतलब है द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। ये आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है, उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है, उसे बीमारी की पूरी जानकारी है। नाड़ी देखकर बीमारी का पता चलाना कोई आसान काम नहीं है महालसापति, और कुलकर्णी उसमें निपुण भी है।
वो भटक गया है मालसपति, द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है। उसे सही रास्ते पर लाना होगा मालसपति। वैसे भी मालसपति, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जब मैं संसार से चला जाऊंगा तो कोते पाटिल जैसे मरीजों का इलाज कौन करेगा? वैद्य कुलकर्णी जैसे लोग ही तो करेंगे मालसपति। मेरे बाद न जाने कितने ढोंगी पाखंडी लोग अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार कहकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, दवाई के नाम पर उदी देंगे, इससे लोगों का अहित होगा। इससे अच्छा तो यही है कि लोगों को पहले से ही बीमारी के आने पर वैद्य के पास जाने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए मैंने तात्या को उदी नहीं दी बल्कि वैद्य को मां के घर भेज दिया मालसपति। आप धन्य हैं साईनाथ। मालसपति, मैं इस पृथ्वी पर करुणा के साथ साथ लोगों का भला करने, उनका मार्गदर्शन करने आया हूं। मैं उन्हें बहकने या भटकने नहीं दूंगा। सबका मालिक एक है। अगर भाई, ये क्या कर रहे थे आप? भाईजा, मैं तुम्हारी सेवा करना चाह रहा था। ये आज क्या हो गया है आपको? ये अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं था। अगर किसी ने आपको मेरे पांव छूते हुए देख लिया होता तो क्या कहता? लोग तो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि भगवान ने उनके मुंह में जबान दी है, लेकिन वो असलियत नहीं जानते। कौन सी असलियत? यही कि मेरा अंत समीप पा रहा है। अहो, बोलिए ना। यही कि इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी होती है और मैं भी इंसान हूं। सोचता हूं तो भाईजा, मैंने तुम्हें जी भरकर कभी प्यार भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी वो सुख नहीं दिया भाईजा जिसकी तुम हकदार हो। कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद करता है। उस मालिक ने इंसान को ये शरीर रूपी कवच दिया है, इसमें आत्मा अपनी जगह बनाए हुए है। मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है लेकिन आत्मा इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस सत्य को जानो और स्वीकार करो। सबका मालिक एक है। इंसान क्या कुछ करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए करता ही रहता है और एक दिन सारे काम यहीं रह जाते हैं और वो यहां से चला जाता है सब कुछ छोड़कर।
अकेला। वो जानता है एक दिन उसे मौत आने वाली है, लेकिन वो जानबूझकर उसे याद नहीं रखना चाहता। उस ठोस सच्चाई से आंखें फेरे रखता है, लेकिन जिसने मौत को देखा हो काय हो, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिताजी हिलना मत, ऐसे ही खड़े रहना, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हम बच्चे छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। क्या खेल है छुपा छुपी, जिंदगी भी क्या है, मौत से छुपा छुपी का खेल ही तो है। मौत भी आकर एक दिन इसी तरह इंसान को पकड़ लेती है। आहो काय हो, घूम कर आने का दिल है ना? जाइए घूम आइए, घर में बैठे बैठे इंसान ऊब जाता है, लौकर यहाँ। कितना ख्याल रखती है मेरा, मैं भी तो इसे प्यार करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान मरे ही ना। आओ कोते पाटिल आओ। मैं कितना सुखी हूं, कितना सुखी हूं, मैं प्यार करने वाली पत्नी है, मेरा अपना परिवार है, मेरा बेटा है, कितना सुखी परिवार है मेरा। फिर मैं इनको छोड़कर क्यों मरूं? मैं नहीं मरना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूं। भगवान, मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूं। तात्या अभी बच्चा है, कितना कितना छोटा है वो, मुझे नहीं मरना, भगवान मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है भगवान। साईनाथ, साईनाथ मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है साईनाथ, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना। बाबा, जन्म और मृत्यु उस ईश्वर के हाथ में है, अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही हर कोई जन्म लेता है। अच्छे कर्म करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें अपने कुकर्मों का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। जब उनके पाप और पुण्य का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए तो मानव जन्म सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष मुक्ति पाने का साधन मनुष्य जन्म ही है। मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है
और जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। मुक्ति का मतलब है आजादी, छुटकारा इस शरीर से, इस जन्म मरण से। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने शरीर से, घर से, परिवार से, बाल बच्चों से मोह करता है। इसलिए इस शरीर को महत्व मत दो, उसको प्यार मत करो, क्योंकि शरीर इंद्रियों को सुख देता है और इंद्रियों के सुख में हमारा पतन है। जितने भी दिनों के लिए हमें ये शरीर मिला है, वो पूरा समय उस भगवान की आराधना में, उस मालिक को याद करने में लगा दो। मौत की फिक्र मत करो, वो तो आनी ही है। जो अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, उसे डरना क्यों? वो तो होकर ही रहना है, होकर ही रहेगा। तो फिर उसका अफसोस कैसा, उसकी चिंता क्यों? बल्कि इस मनुष्य जीवन का जितना भी फायदा उठा सकते हो उठाओ, इतने अच्छे कर्म करो, इतना पुण्य कमाओ, इतनी भगवान की आराधना करो कि भगवान खुश होकर तुम्हें अपने पास बुला लें, मुक्ति मिल जाए तुम्हें इस जन्म मरण से। सबका मालिक एक।